राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। हम लेकर आए हैं आपके लिए 5000 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इन वीडियोस के जरिए आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, IOA का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1927 में IOA का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है? तो इसका सही आंसर है प्रेजिडेंट आईओसी ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ओलंपिक खेलों की मेज़बानी दी जाती है? तो ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसको दी जाती है? नगर को। अगला क्वेश्चन करते हैं, दिवसों की दृष्टि से कौन सा ओलंपिक सर्वाधिक लंबा था? तो इसका सही आंसर है 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से कौन से इवेंट्स पेंटाथलोन में शामिल थे? तो इसका सही आंसर है धावन, कूद, चक्का, तैराकी, दंगल तथा रथ दौड़। प्राचीन ओलंपिक खेलों में पेंटाथलोन में ये शामिल किए गए इवेंट थे। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में आधुनिक पेंटाथलोन का सुझाव किसने दिया? तो इसका सही आंसर है बीपी कुबर्टिन ने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों के प्रतिपादक कुबर्टिन किस देश के निवासी थे? तो इसका सही आंसर है फ्रांस के, बैरन डी कुबर्टिन फ्रांस के शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय कप्तान ओलंपिक खेलों के दौरान पहली बार विजय स्तंभ पर चढ़ा? तो इसका सही आंसर है जयपाल सिंह, भारतीय कप्तान ओलंपिक खेलों के दौरान पहली बार विजय स्तंभ पर चढ़े। अगला क्वेश्चन, CO2 के आयतन का अनुपात किसी दिए समय में उपयोग किए गए ऑक्सीजन के आयतन पर समाप्त हो जाता है, तो यह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है श्वसन लब्धांक। अगला क्वेश्चन, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में हृदय का मिनट आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है यह प्रभाव घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क और मेरुदंड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है बाह्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है, बाह्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है स्वचालित तंत्रिका तंत्र आंतरिक पर्यावरणीय परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, अक्ष तंतु एक्सोन की भूमिका है आवेगों को लेके जाना? तो इसका सही आंसर है तंत्रिका से दूर लेके जाना अक्ष तंतु की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्राइट की भूमिका है अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से आवेगों को संचित करना और उन्हें लेके जाना। तो इसका सही आंसर है मेरुरज्जु की ओर लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क के ऊपरी खंड में स्थित ग्रंथियां हैं? तो इसका सही आंसर है एड्रिनल ग्लैंड। वृक्क के ऊपरी खंड में कौन सी ग्रंथियाँ हैं? एड्रिनल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन श्लैष्मिक संधि नहीं है? तो श्लैष्मिक संधि नहीं है, तो इसका सही आंसर है तंतु में संधि श्लैष्मिक संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस संधि की संरचना सिर्फ एक दिशा में झुकाव का अवसर देती है? तो इसका सही आंसर है ये है कोर संधि। अगला क्वेश्चन, स्कंद संधि किसका प्रारूप है? तो इसका सही आंसर है स्कंद संधि कंदुक खल्लिका संधि का प्रारूप है, कंदुक खल्लिका संधि स्कंद संधि का प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानु संधि उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है जानु संधि कोर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितंब संधि है? तो इसका सही आंसर है कंदुक खल्लिका संधि नितंब संधि है। अगला क्वेश्चन, अंगुलस्थियों और कर्मास्थियों को कौन सी संधि कहते हैं? तो इसका सही आंसर है स्थूलक संधि, अंगुलस्थियों और कर्मास्थियों को स्थूलक संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पर सीधी खड़ी कल्पित रेखा कहलाती है? तो इसका सही आंसर है जमीन पर सीधी पड़ी कल्पित रेखा अनुलंब धुरी कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संचलन में होता है एक धुरी और एक समधरातल। इसका सही आंसर है एक धुरी और एक समधरातल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का कौन सा नियम बतलाता है कि बहुधा जाने वाली इस बातें सबसे अधिक याद रहती है। तो इसका सही आंसर है अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम होने की स्थिति मजबूत प्राय अनुपयोगी असर छोड़ती है, यह है। तो इसका सही आंसर है यह है प्रमुखता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल हाल में सीखे गए कार्य सबसे अधिक किए जाते हैं, यह उक्ति किसे सूचित करती है। तो इसका सही आंसर है प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का निम्न स्तर क्या है। तो इसका सही आंसर है सीखने का निम्न स्तर है दर शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक स्थिरता, चिंता, उदासी, निर्मित व्यक्तित्व के किस आयाम के लक्षण है। तो इसका सही आंसर है मध्य वर्गीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रुचि अनुकूल व्यक्तित्व का सहज गुण नहीं है। तो इसका सही आंसर है जटिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता जैवी मूल प्रवृत्तियां और प्रेरणाएं जो समय विद्यमान रहती हैं किसका संकेत देती हैं। तो इसका सही आंसर है ईद भावना का, कामत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर है पावलोव ने, प्रत्यावर्तन सिद्धांत पावलोव ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण मानव शिशु कैसा व्यवहार करता है। तो इसका सही आंसर है समाज की प्रत्यानुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण मानव शिशु कैसा व्यवहार करता है। तो इसका सही आंसर है समाज की प्रत्यानुसार। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर है सामाजिकरण, सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषों से सामान्य पर पहुंचने की तर्क प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो इसका सही आंसर है आगमन, आगमन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य से विशेष को तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका सही आंसर है निगमन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका सही आंसर है तर्क करने की प्रक्रिया है दोनों, आगमन और निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क द्वारा निम्न में से किसकी जांच की जाती है। तो इसका सही आंसर है परिकल्पना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क की क्रिया में अंतिम सोपान निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है मूल्यांकन, तर्क की क्रिया में अंतिम सोपान मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड रोबिन की डबल लीग पद्धति में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होने पर उन्हें विभिन्न ग्रुपों में किस पद्धति में बांटा जाता है। तो इसका सही आंसर है संयुक्त प्रतियोगिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पद्धति संयुक्त प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर है कॉबवेब टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड टाइप, किंग टाइप और कॉबवेब टाइप प्रतियोगिता किस पद्धति के प्रकार है। तो इसका सही आंसर है चुनौती प्रतियोगिता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श धावन पथ माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ख 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श धावन पथ में सीध की लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है लगभग 84.39 मीटर। आदर्श धावन पथ में स्ट्रेट की लंबाई 84.39 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अशाब्दिक परीक्षण का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 10 वर्षीय बालक 7 वर्षीय बालक की सभी परीक्षाओं को करने में समर्थ है तब उसकी बुद्धि लब्धि होगी, तो इसका सही आंसर है उसकी बुद्धि लब्धि होगी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा देश अंग्रेजों के अधीन लगभग कितने वर्षों तक रहा, तो इसका सही आंसर है 1942।